नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। अंबानी केस में जांच तेज हुई तो एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार किया। वाजे की गिरफ्तारी के बाद शिवसेना के कई नेताओं के चौंकाने वाले राज खुले हैं, जिससे उद्धव सरकार कटघरे में आ गई है और विपक्ष ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी अब सचिन वाजे के नार्को टेस्ट की मांग कर रही है और खुद शिवसेना के संजय राउत ने सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर चौंकाने वाला बयान दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले मुकेश अंबानी के घर इंटीलिया के बाहर विस्फोटक भरी कार मिली। अंबानी के नाम धमकी भरा पत्र मिला। मामले की जांच आगे बढ़ी तो कार के मालिक का शव बरामद हुआ। जैसे जैसे जांच के दिन बीतते गए, मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हुए। पहले हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी का मामले से कनेक्शन सामने आया और अब आज मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे तक पहुंची, जिनकी एनआईए ने गिरफ्तारी की तो शिवसेना के होश उड़ गए, क्योंकि एनआईए की पूछताछ में सचिन वाजे ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिससे कुछ शिवसेना नेता और मुंबई पुलिस के अधिकारी एनआईए की जांच के घेरे में आ गए। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे से पूछताछ में एक शिवसेना नेता का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि इस केस के मुख्य गवाह सन्मुख हिरेन की आखिरी लोकेशन शिवसेना नेता के दफ्तर के पास पाई गई थी। इस शिवसेना नेता और सचिन वाजे की अच्छी जान पहचान बताई जा रही है, जिसके बाद एनआईए अपनी जांच में और सतर्क हो गई है। वहीं सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम कदम ने ट्वीट कर सचिन वाजे का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, आखिरकार सचिन वाजे को एनआईए ने गिरफ्तार कर ही लिया। क्या अब सचिन वाजे को बचाने का कुकर्म करने वाली शिवसेना की सरकार देश से माफी मांगते हुए सचिन वाजे का नार्को टेस्ट करेगी? हमारी मांग है कि सचिन वाजे का नार्को टेस्ट कराया जाए, जिससे पता चले कि महाराष्ट्र सरकार उसे बचाना क्यों चाहती थी। वहीं जब बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाए और संजय वाजे की पूछताछ में शिवसेना नेताओं के कनेक्शन की बात सामने आई तो शिवसेना सांसद संजय राउत बौखला उठे और बीजेपी पर ही साजिश के तहत कार्रवाई का आरोप मंड दिया। संजय राउत ने अपने बयान में कहा कि इस मामले की जांच एनआईए को इसलिए दी गई है ताकि राज्य सरकार पर दबाव बनाया जा सके। केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। इस मामले में एनआईए की जांच की जानकारी पहले ही विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस तक पहुंच रही, यह राज्य सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। संजय राउत ने दावा किया है कि इस मामले की जानकारी विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस तक पहले पहुंचती रही, ये राज्य सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं हो सकते। यानी कि शिवसेना घिरी तो बीजेपी पर अपने ही कारनामों का ठीकरा फोड़ने लगी। एंटीलिया केस में एनआईए ने मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की तो उसने शिवसेना के नेताओं के नाम भी सामने आए हैं, जिससे उद्धव ठाकरे के नेता बुरी तरह बौखला उठे और संजय राउत ने तो बीजेपी पर ही केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने सचिन वाजे के नार्को टेस्ट की मांग की है ताकि शिवसेना नेताओं की सच्चाई सबके सामने आ सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।